Okay, so hello everyone, good evening and welcome back to the Unacademy live session. My name is Ashish Malik and as you know, hum aaj baat karne wale hain bahut sare current affairs ki. Lekin aaj aap logo ke liye ek chota sa surprise hai mere paas. It's not going to be the normal usual session jo hum log hamesha conduct karte hain. It's going to be little different, thoda sa different karenge aaj. Aur I'm so happy ki wahi sare naam fir se live chat mein dekhne ko mil rahe hain. Consistently you guys are coming out, right? So you dedicatedly you guys are coming out, I should say. Every day you come so dedicatedly, and that is something which always give us goosebumps, right? So great. So guys, we have a very special announcement for you. Like I was telling you, jaise main aap logon ko bata raha tha ki agle mahine se bahut sare naye naye varieties ke special sessions aane wale hain. तो गाइस पहली बात ये है कि कल एक डेमो क्लास है अनअकैडमी प्लस के लिए. मेरी एक स्पेशल क्लास है कल अनअकैडमी प्लस पे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक है. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास. सो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग उस फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास का बेनिफिट उठाएं. कल की क्लास में ज़रूर आइए क्योंकि कल की क्लास होगी 10 बजे. इट्स गोइंग टू बी 10 PM टुमारो. सो कल 10 बजे अगर आप आते हैं, सो गाइज मेक श्योर कि आप एटलीस्ट वो आपको एक्सपीरियंस मिलना चाहिए अनअकैडमी प्लस पे क्या कैसे हम चीज़ें कंडक्ट करते हैं. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रजिस्टर, बुक योर सीट्स फॉर टुमारो. कल का आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, बुक कर लीजिए, ठीक है. तो मेरे जो अनअकैडमी के कोर्सेज हैं वहाँ जाके आप सब उसको बुक कर सकते हैं. सो मैं भी चाहता हूँ कि आप फ्री में, बिल्कुल फ्री डेमो क्लास है तो आप एक बार आके ज़रूर रजिस्टर करें, एक बार वो प्लेटफॉर्म भी एक्सपीरियंस करें. दूसरी चीज़ आज के लिए जो सरप्राइज़ है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ. बट गाइज बिफोर दैट, एज यू नो आई ऑल्सो टीच ऑन अनअकैडमी प्लस. अनअकैडमी प्लस पे मैं पढ़ाता हूँ. सो ये रेफरल कोड आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है. 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है. 10% डिस्काउंट के अलावा आप लोग मेरे डायरेक्ट गाइडेंस में रहने वाले हो. गाइज किस चीज़ का वेट कर रहे हो? अनअकैडमी प्लस आप लोगों के लिए ओपन है. ऑलरेडी हम लोग बहुत थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ चुके हैं. रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप मेरे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाइए. अनअकैडमी लर्निंग ऐप या अपनी वेबसाइट पे सिंपल आप आशीष मलिक अनअकैडमी सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो. वहाँ पे जो मेरा पेज ओपन होगा अनअकैडमी का, वहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्टर करने का. कल 10 बजे क्लास है और आप कल भी पूरा दिन रजिस्टर कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, ठीक है. सो मेक श्योर कि आप लोग ज़रूर रजिस्टर करें. चले गाइस, सरप्राइज ये है कि आज मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स देने वाला हूँ मेरे अपकमिंग कोर्स का. जैसे मूवीज़ का होता है प्रीमियर शो, राइट? मूवीज़ हैव ऑलवेज अ प्रीमियर, डायरेक्टर कट्स. तो आज फर्स्ट टाइम, अभी तक मैंने अनअकैडमी प्लस पे भी शो नहीं किया है, तो आप लर्नर्स के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ एक छोटा सा ग्लिम्स मेरे एक मोस्ट अवेटेड कोर्स का, जहाँ पे आई एम गोइंग टू कवर 250 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, 250 to 500 जितने भी हो जाएँ, ठीक है. सो आई विल बी कवरिंग दैट वेरी वेरी सून. बट दिस टाइम दिस इज अ ग्लिम्स. सो टुडे बिफोर गोइंग फॉर द MCQs मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करूंगा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर UPSC Prelims 2019 जो आपको ज़रूर ज़रूर कवर करने हैं. बिल्कुल 100% दे आर UPSC Prelims ओरिएंटेड. मैंने मेंस को भी फोकस नहीं किया है, ये Prelims 2019 का कोर्स है. तो प्रीलिम्स को फोकस करते हुए आज जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, आज जो मैं पेश करने जा रहा हूँ वो है इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट? सो कल एवेंजर्स देखेंगे क्या? नहीं यार, देखो आप लोग एवेंजर्स देखो, मैं दूसरी एवेंजर्स देखने वाला हूँ, राइट? तो इंटरनेशनल रिलेशंस के अभी हम शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. पहले थोड़े से टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद अपना बैक टू द नॉर्मल ट्रैक जो हम करेंगे अपना नॉर्मल, राइट? चलिए लेट्स बिगिन. द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. न्यूज में क्यों था? बिकॉज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट हुई थी चाइना के क्विंगडाओ सिटी में. ये जनरली जून और जुलाई के आसपास के हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पूरे के पूरे पूरा वन मंथ वन ईयर का टॉपिक कवर करने वाला हूं, राइट? आपको थोड़े थोड़े ग्लिम्स मैं देता रहूंगा YouTube पे हमेशा कुछ ना कुछ. आज के बाद से आप लोगों के लिए को हल्के फुल्के सरप्राइज में लाता रहूंगा अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल वंस. लेकिन अगर पूरा कोर्स है तो वो आपको अनअकैडमी प्लस पे ही मिलेगा, राइट? चलिए तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करना है. न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि चाइना के क्विंगडाओ सिटी में अभी हुआ है
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, क्वेश्चन आ सकता है कि इस बार कहाँ पे हुआ है, या फिर क्विंगडाओ डिक्लेरेशन जो है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। फैक्ट्स कुछ इसके बारे में कि फर्स्ट समिट है ये जहाँ पे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है एज ए फुल टाइम मेंबर। इंडिया को मेंबरशिप मिली थी जून 2017 में, और जून 2018 में इंडिया ने फर्स्ट टाइम एज ए फुल मेंबर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को अटेंड किया। कुछ एडिशनल फैक्ट्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस है, राइट। अनाउंस किया गया था 15 जून 2000, देखो सब कुछ जून में हो रहा है समझ लो, ठीक है, जून में ही सबसे ज्यादा एक्टिव होता है यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जून 15 2001 में अनाउंस किया गया था, कहां किया गया था अनाउंस, शंघाई, इन शंघाई में। अनाउंस करने वाले, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बताइए कौन कौन से बेसिक कंट्रीज हैं या कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने अनाउंस किया था, तो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये जो छह बेसिक हैं जिनको बोलते हैं ट्रक, बोलते हैं TRUCKK, राइट। तो उन सब ने 2011 में अनाउंस किया था। इट वॉज प्रिसीडेड बाय शंघाई 5 मैकेनिज्म, और इंडिया पाकिस्तान फुल टाइम मेंबर बने हैं 2017 में। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो समिट कौन सी थी, है ना, वो समिट कौन सी थी, दैट वॉज हेल्ड इन अस्ताना। अस्ताना कहाँ पे है, दैट इज इन कजाकिस्तान, करेक्ट। ये ग्लिम्स है, मैं बता रहा हूँ, ये डायरेक्टर कट्स दे रहा हूँ मैं आपको, ऐसा छोटा सा पार्ट है। ऐसे सोचिए हर मंथ का, हर सब्जेक्ट का अगर आपको मिल जाए एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में, मुझे नहीं लगता कि आपके 140 मार्क्स कहीं भी जाएंगे उसके बाद। 140 मार्क्स 100% सिक्योर कर लेंगे अगर आप उस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, राइट। तो दूसरी हमारी जो न्यूज़ है, जो या दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने पिक किया है वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, जिसको हम बोलते हैं APCW, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशन, थैंक यू सो मच कुमकुम, थैंक यू सो मच, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, OPCW, न्यूज में किस लिए है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। न्यूज में क्यों है, बिकॉज एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन है FFM ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन का, फॉर प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन्स, कंफर्म्ड यूज ऑफ केमिकल वेपन्स इन लता मीना सीरिया के अंदर, जो ऐसा बोला जाता है कि हुए थे यूज केमिकल वेपन्स, उसी का फैक्ट फाइंडिंग मिशन अभी हम अभी न्यूज में था, इसीलिए ये पर्टिकुलर जो चीज है यहां पे आई है, राइट। चलिए उसके बाद गाइज, अपनी पर्सनल चैट तो कम से कम यहाँ मत करो, अदरवाइज इट्स वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। सो आप प्लीज अपनी ये बाकी जो चिट चैट है वो आई रियली रिक्वेस्ट नहीं करो तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, वरना मैं भी डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, बाकी लर्नर्स भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं यार, बस करो, हाय हेलो बहुत हो गया अभी के लिए, राइट। ओके, सो फैक्ट्स की बात करें तो सरीन और क्लोरीन, दे इट वॉज वेरी लाइकली यूज एज ए केमिकल वेपन। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली टू बी यूज एज केमिकल वेपन, तो आंसर क्या हो जाएगा, सरीन और क्लोरीन, ये वाले जो दो पार्ट है। एंड इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल डिसआर्मामेंट ट्रीटी एनलाइटिंग एन एंटायर क्लास ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। सबसे अगर पूछा जाए कि केमिकल वेपन्स के लाइन में सबसे सक्सेसफुल डिसआर्मामेंट ट्रीटी कौन सी है, दैट वुड बी OPCW। OPCW को 2013 में नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज मिला था इनफैक्ट, राइट। और जो कंट्रीज विच आर आउटसाइड OPCW कौन कौन सी हैं, इजिप्ट, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं केमिकल वेपन के जो यूज किए जा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम सरीन एंड क्लोरीन। मस्टर्ड गैस को यूज किया जा सकता है, हाइड्रोजन साइनाइड को यूज किया जा सकता है, टीयर गैस को भी यूज किया जा सकता है गाइस। एंड मेक श्योर कि आपको याद रहे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे 100% आएंगे कि इनमें से कौन कौन सा पोटेंशियल केमिकल वेपन है या मोस्ट हैजार्डस केमिकल वेपन, इस तरह से आ सकता है, तो ये नाम आपको याद रहने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वैशाली गुप्ता, पीस प्राइज 2013 में मिला था, बिल्कुल सही है। चलिए थर्ड है शंग्रीला डायलॉग। शंग्रीला डायलॉग जो है वो तीसरा इंपॉर्टेंट आज का न्यूज में क्यों है, क्योंकि 2018 में डायलॉग हुआ है इन द एंड ऑफ मंथ ऑफ जून। फैक्ट क्या है, इट इज अ ट्रैक वन इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम हेल्ड एनुअली, हर साल होने वाली। ट्रैक वन का मतलब होता है, देखो डिप्लोमेसी में अलग अलग ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग ट्रैक क्या होते हैं, ट्रैक वन, ट्रैक टू, ट्रैक थ्री, ट्रैक फोर।
ट्रैक वन होता है जो बहुत फॉर्मल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डायलॉग होता है दैट इज कॉल्ड ट्रैक वन डिप्लोमेसी ट्रैक. सो ये शंग्रीला डायलॉग जो है ये ट्रैक वन इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है जो हर साल होती है एंड इट इज कंडक्टेड. कंडक्ट कौन करता है ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन आ सकता है राइट कि कंडक्ट कौन करता है. इट इज कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट थिंक टैंक द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज. ये नाम आपको याद रखना है. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज कंडक्ट करता है जो कि अपने आप में एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है. कोई ऐसा यूएन ओरिएंटेड नहीं है ये आपको याद रखना है राइट. उसके बाद इसको कहा जाता है एशियाज प्रीमियर डिफेंस समिट. पहली बात हमेशा याद रखिए शंग्रीला डायलॉग इज ऑल अबाउट डिफेंस. इट्स ऑल अबाउट सिक्योरिटी राइट इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी. दैट इज वाई शंग्रीला जो है शंग्रीला डायलॉग हमेशा इसको बोलते हैं एशियाज प्रीमियर डिफेंस समिट. तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि एशियाज प्रीमियर डिफेंस समिट जो है इनमें से कौन से डायलॉग को बोला जाता है. बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे शंग्रीला डायलॉग ये डिक्लेरेशन वो डिक्लेरेशन. तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना राइट. एंड दिस इज अटेंडेड बाय डिफेंस मिनिस्टर्स परमानेंट हेड ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड मिलिट्री चीफ. 28 एशिया पैसिफिक स्टेट्स हैं. ये भी ध्यान रखना है कि एशिया पैसिफिक स्टेट्स दोनों होंगे. यार ये मल्टीलेटरल होता है जो सबा अहमद ये दो कंट्रीज के बीच में नहीं. इट इज अ मल्टीलेटरल. तो आज हम जो बात करने वाले हैं ये मल्टीलेटरल जो है डायलॉग के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो 28 एशिया पैसिफिक कंट्रीज इसमें पार्ट लेती हैं राइट. तो ऐसे दो नहीं है मल्टीलेटरल है. उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के लिए. देखो ये मैं सिर्फ ग्लिम्स दे रहा हूँ. अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ इट्स जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ माई अपकमिंग कोर्स ऑन अनअकैडमी प्लस. अनअकैडमी प्लस के ऊपर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से प्रोबेबली 1st of May और समथिंग. तो वहां पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग जरूर आके इसको प्लीज एक बार चेक करें. इस कोर्स में अपने आपको एनरोल करें. हर सब्जेक्ट वाइज हर मंथ वाइज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऐसे फास्ट फॉरवर्ड मोशन में कवर करने वाला हूँ सो दैट यू पीपल विल नॉट हैव एनी ऑफ द इश्यूज लेफ्ट राइट. तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी प्रिपेयर करो. न्यूज में है क्योंकि FATF has formally placed Pakistan on the grey list. पाकिस्तान को फॉर्मली डाल दिया गया है ग्रे लिस्ट के ऊपर ड्यू टू द स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज इन इट्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल फाइनेंसिंग रेजीम. टेररिज्म को फाइनेंस करने में और अपनी मनी लॉन्ड्रिंग को ना रोक पाने के इस डेफिशिएंसी के कारण पाकिस्तान को डाला गया है यहां पे. ओके थैंक यू सो मच सरन. थैंक यू सो मच सरन टी रमेश. ठीक है चलिए और इसके बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ FATF के बारे में. जो FATF है दिस इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल यानी बहुत सारे गवर्नमेंट. इंटर गवर्नमेंटल का मतलब है बहुत सारे गवर्नमेंट आपस में मिली हुई है. सो इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी एस्टैब्लिश्ड इन 1989 टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग एंड अदर रिलेटेड थ्रेट्स. सो बेसिकली जो एम था 1989 की कोई अभी की बहुत पहले की नहीं है पुरानी है बहुत पुरानी है. ठीक है 89 में एस्टैब्लिश की गई थी. इसका पर्पज ही क्या है मनी लॉन्ड्रिंग फाइनेंस टू स्टॉप मनी लॉन्ड्रिंग टू स्टॉप टेररिस्ट फाइनेंसिंग राइट. और इट हैज मेंटेन टू डिफरेंट लिस्ट ऑफ कंट्रीज. इसके पास दो लिस्ट होती है कंट्रीज की. ठीक है एक होती है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक होती है काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के लिए. बट दे कमिट यू नो टू ऑन द एक्शन. जो कमिट कर लेते हैं ना जो कमिट करते हैं कि हम एक प्लान ऑफ एक्शन के साथ इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे उनको कहा जाता है ग्रे लिस्ट पे. जैसे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे रखा गया है मतलब उन्होंने कमिट किया कि नहीं सर मैडम हम करेंगे इस चीज को विल डू सम करेक्शन राइट. दैट इज वन. इफ बाय चांस उसको डाल दिया जाता है ब्लैक लिस्ट के ऊपर. सो ब्लैक लिस्ट में क्या होगा दोज दैट डू नॉट एंड अप डूइंग एनफ. जो कह दें कि हम तो कुछ करेंगे ही नहीं जो करना हो कर लो इस टाइप का अगर एटीट्यूड है दे वुड बी पुट एट द ब्लैक लिस्ट. एग्जाम्पल कैसे ब्लैक लिस्ट के कौन कौन है ब्लैक लिस्ट पे ईरान नॉर्थ कोरिया. तो ये एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो ग्रे लिस्ट पे हैं या कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो ब्लैक लिस्ट पे हैं या ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट की डेफिनेशन को इंटरचेंज किया जा सकता है राइट. एग्जाम में बहुत कॉमन है यूपीएससी बहुत कॉमन प्ले करता है ऐसे. और 7 कंट्री हैं जो अभी फिलहाल जो है ग्रे लिस्ट पे हैं. उनमें से जो मेजर बता देता हूँ पाकिस्तान श्रीलंका सीरिया और यमन. ठीक है
Yes, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने मेंशन कर दिया अनन्या रॉय. सो पाकिस्तान, श्रीलंका, सीरिया, येमेन जो है वो ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट पे है. ब्लैक पे नहीं है, येमेन तो ग्रे पे है. ओके, सो बहुत लोग अच्छे अच्छे से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं गाइस, आई अंडरस्टैंड आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, बहुत सारे आप लोगों की क्यूरियोसिटी होती है पूछने की चीजें. अगर एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, लास्ट के 10 मिनट्स आप लोगों को दिए जाएंगे, आप आराम से वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं, राइट. अगला जो इम्पोर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, ठीक है, UNRWA, है, इट इज यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजीज, ठीक है, ये लिया गया है, राइट. साक्षी, रशिया इज नॉट आउट ऑफ G7, इट वॉज G8 इनिशियली, पहले G8 हुआ करता था. G8 में से रशिया को निकाल दिया गया क्योंकि रशिया ने यूक्रेन को एनेक्स किया, क्रीमिया को एनेक्स किया बेसिकली, उसके बाद से हटा दिया गया, तो वो ग्रुप बन गया G7. G7 में से रशिया नहीं निकाला गया, G8 में से रशिया को निकालने के बाद बना है G7. तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, ठीक है. अभी ये न्यूज में क्यों है, व्हाई दिस इज इन न्यूज, बिकॉज इंडिया ने प्लेज किया है कि इंडिया $5 मिलियन देगा फॉर असिस्टेंट टू द UN एजेंसी वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ, जो वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं पैलेस्टीन रेफ्यूजीज के लिए, राइट. तो सीवियर फंडिंग क्राइसिस चल रहा था, उसको एड्रेस करने के लिए यहाँ पे इंडिया, इसलिए न्यूज में है. अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं. यूनाइटेड स्टेट्स ने जनवरी 2008 के अंदर कहा था दैट इट वुड विदहोल्ड $65 मिलियन ऑफ $125 मिलियन इट हैड प्लान टू सेंड टू दिस वन. तो पहले प्लान किया था कि यूएस ने कहा था कि हम यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी में $125 मिलियन डालेंगे, बट 65 मिलियन को होल्ड करने का उनका मूड अभी बदल गया. तो और जो ये UNRWA, ये मोस्टली रिलाय करता है वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस पे, ठीक है, और US इसका हमेशा से सबसे बड़ा अरे है, MCQs आएंगे इसके बाद, MCQs स्टार्ट करें, डोंट वरी. ये ग्लिम्स है, मेरे अपकमिंग कोर्स का ग्लिम्स है, उसको भी आप एंजॉय कीजिए, ठीक है. ये है इनका मेन चीज़. और उसके बाद 1948 के अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के बाद इसको बनाया गया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बनाया था ताकि पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज के रिलीफ वर्क के लिए काम किया जा सके, राइट जी. सो इन द एब्सेंस ऑफ अ सॉल्यूशन टू द पैलेस्टीनियन रिफ्यूज प्रॉब्लम, द जनरल असेंबली हैज रिपीटेडली रिन्यूड द मैंडेट, और लास्ट टाइम जो बोला गया अभी तक इसका 2020 तक मैंडेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है. और लास्ट न्यूज, आज का लास्ट टॉपिक है, वो है आपका UNHRC. अब ये यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस किया है, विड्रॉल कर रहा है वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल. UNHRC का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल. उसमें से यूनाइटेड स्टेट ने कहा है कि हम वापस अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं, और ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, जो जहाँ से US विड्रॉ करने के लिए सोच रहा है. ऑलरेडी विड्रॉ कर चुका है पेरिस क्लाइमेट डील से, ईरान की न्यूक्लियर डील से, नाटो से, तो बहुत जगह से ऑलरेडी कर रहा है, राइट. और ये फैक्ट कुछ बताता हूँ, US प्रॉब्लम विद द बॉडी इज टू फोल्ड. दो प्रॉब्लम है US को इस पर्टिकुलर बॉडी के साथ में. पहली, दैट द मेकअप ऑफ इट्स मेंबरशिप को लेके कुछ प्रॉब्लम चल रही है कि मेंबरशिप कौन कौन मेंबर होंगे, नहीं होंगे. एंड सेकेंड इज वट इट कंसिडर अ डिसप्रोपोर्शनेट फोकस ऑन एलिगेशन ऑफ ह्यूमन राइट अब्यूजेज कमिटेड बाय इट्स एलाय इसराइल. इसराइल के ऊपर क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसप्रोपोर्शनेटली, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इसराइल के ऊपर एलिगेशन लगे थे ह्यूमन राइट अब्यूजेज के, और US का बहुत ही पुराना एलाई है इसराइल, राइट. तो इसराइल के ऊपर लगे तो US ने उसको अपना शो किया रिजेंटमेंट इन द फॉर्म ऑफ विदड्रॉइंग इट. यस, आशुतोष उनियाल ने बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है. शंग्रीला डायलॉग का नाम शंग्रीला क्यों, क्योंकि शंग्रीला एक होटल का नाम है सिंगापुर में. यस ट्रू, यस साक्षी, US हैज विड्रॉन फ्रॉम मेनी ऑर्गेनाइजेशन. यस, ठीक है. और यही मैं बता रहा हूं कि US ने ऑलरेडी विड्रॉ किया है UN क्लाइमेट ट्रीटी से, यूनेस्को के साथ, यूनेस्को से भी कर लिया है, बिल्कुल सही है.
रेडी विनायक ने किया था कॉन्ट्रीब्यूट, ये चीज बहुत बढ़िया. यूएस हैज एक्चुअली ऑप्टेड अगेंस्ट सीकिंग मेंबरशिप एंड द काउंसिल वॉज क्रिएटेड. यूएस ने ज्वाइन किया था बॉडी को 2008 में जब बराक ओबामा थे उस टाइम पे, और ये ह्यूमन राइट कमीशन जो है यूनाइटेड नेशन का, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2006 के अंदर, जिसका एम था टू प्रोमोट एंड प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट. ठीक है, अभी एट प्रेजेंट 47 मेंबर स्टेट्स हैं विच आर सेलेक्टेड बाई यूएन जनरल असेंबली ऑन स्टैगर्ड बेसिस ईच ईयर फॉर 3 ईयर लॉन्ग टर्म. कौन सेलेक्ट करता है इसके मेंबर्स को? जनरल यूएन जनरल असेंबली करती है सेलेक्ट. 3 साल के लिए किया जाता है गाइस, और इंडिया वॉज करंटली इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ NHRC विद द रिकॉर्ड मैंडेट. इंडिया को अभी इसमें ऐड किया गया है रिसेंटली, राइट. चलिए अब गाइस फिर से अपने और लास्ट एक और कर लेते हैं. एक लास्ट है इब्सा, IBSA. इब्सा स्टैंड फॉर इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका. आज का लास्ट है, देन इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा एज यूजुअल मोस्ट फेवरेट आपका MCQ पोर्शन. ठीक है, तो इब्सा जो है वो इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका 2018 मिनिस्ट्रियल मीट हुई है अभी रिसेंटली. कहाँ पे हुई है पता होना चाहिए आपको, साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में. फैक्ट ये है कि जो आउटकम है इस मीटिंग का, उसको डॉक्यूमेंट को टाइटल दिया गया है इब्सा डिक्लेरेशन ऑन साउथ साउथ कोऑपरेशन. 100% क्वेश्चन आने वाला है इब्सा के ऊपर. ठीक है, और ये आएगा, ये जो नाम की मैं बात कर रहा हूँ आउटकम, ये ऐसे ही पूछा जाएगा कि इब्सा डिक्लेरेशन ऑन साउथ साउथ कोऑपरेशन जो है, ये वाली मीट कहाँ पे हुई थी या कौन सी मीट थी, इस तरह से कुछ पूछ सकते हैं, राइट. या कुछ और इसका नाम बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट का नाम चेंज कर सकते हैं. सो एक आपको ये बताना चाहिए कि ये जो डॉक्यूमेंट है इब्सा डिक्लेरेशन साउथ साउथ कोऑपरेशन का, दिस डॉक्यूमेंट कॉल्स फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ द मेंबर ऑफ इब्सा forum to contribute to greater understanding of development cooperation as a common endeavor to the global south. 2003 ke andar IBSA dialogue jo hai usko forum ko formalize kiya gaya tha. Formalize kahan pe kiya gaya tha? Wo kiya gaya tha Brasilia declaration, right? To ye thoda sa important point hai jo maine aapse discuss kiya hai. Yes, bilkul Brasilia declaration se shuru hua tha. Yes, Divya Arora, bilkul sahi hai. Chaliye. सो गाइज नाउ बैक टू द यूजुअल कोर्स विच इज MCQs. आई एम श्योर आप लोगों को इसका ज़्यादा वेट था, मुझे लग रहा है ऐसा. तो ये जो अभी तक मैंने डिस्कस किया गाइज, ये एक मैंने ग्लिम्स दिखाया है मेरा नया कोर्स जो आने वाला है Unacademy Plus पे. अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत बेनिफिशियल कोर्स होने वाला है, क्योंकि हर सब्जेक्ट पूरे एक साल का जितना भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज मैं कवर करने वाला हूँ, सो मुझे ज़रूर ज्वाइन कीजिए Unacademy Plus पे. मैंने स्टार्टिंग में आपको एक रेफरल कोड भी दिया है. रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, एंड आई विल बी योर मेंटोर थ्रू आउट योर मेंस इंटरव्यू. परमानेंट गाइडेंस में रहेंगे आप मेरे, तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए. और कल एक फ्री डेमो क्लास है गाइस, आना मत भूलिए. कल फ्री डेमो क्लास है, वहाँ पर कुछ अलग प्लेटफॉर्म होगा. जो जो चाहते हैं फ्री प्लेटफॉर्म फ्री क्लास अटेंड करना, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मेरे Unacademy ऐप पे जाके अपनी सीट को बुक कर सकते हैं. पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाई इज दैट अनकन्वेंशनल रिजर्वॉयर्स कैन प्रोड्यूस द गैस कॉस्ट इफेक्टिवली ओनली बाय यूजिंग द स्पेशल स्टिमुलेशन टेक्निक सच एज हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग. जो भी अनकन्वेंशनल रिजर्वॉयर होते हैं, क्यों वो प्रोड्यूस कर सकते हैं गैस कॉस्ट इफेक्टिवली सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल स्टिमुलेशन टेक्निक यूज करके, जैसे कि हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग. क्योंकि जो गैस होती है इट इज हाईली डिस्पर्स इन द रॉक. गैस जो है वो हाईली डिस्पर्स होती है. जैसे ही आप लोग अगर आप स्पेशल टेक्निक यूज नहीं करोगे तो यू कांट कंट्रोल द गैस. राइट आंसर इज ए, विच आई कैन सी इज गिवन बाय मेनी पीपल, स्टार्टिंग विद शशिधर गौड़ा. सो शशिधर गौड़ा ने सबसे पहले आंसर दिया था. गुड भाई शशिधर गौड़ा, अंकित शिवाजी, राकेश मिश्रा, विद्या राजेश, रेड्डी विनायक एंड प्राची चौहान, सबका बिल्कुल करेक्ट है. जिन जिन को डेमो क्लास चाहिए मुझे कॉन्टेक्ट कर लो एक बार, राइट. कॉन्टेक्ट कर लेना क्लास के बाद से. क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. एक तरफ कंट्री दी है, एक तरफ उसकी करेंसी दी है. थोड़ा सा क्या कहें इसको, एकदम फैक्ट बेस्ड हो गया, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. करेंसी और कंट्री को मैच करना है. टर्की के लिए लायरा, साउथ अफ्रीका के लिए नायरा और अर्जेंटीना के लिए पेसो. राइट आंसर इज बी, 1 and 3. टर्की लायरा इज करेक्ट, अर्जेंटीना पेसो इज करेक्ट, बट नायरा इज नॉट फॉर साउथ अफ्रीका गाइस. नायरा इज नाइजीरियन करेंसी.
Naira is Nigerian currency. So you guys tell me what is the currency of South Africa. South Africa ki currency kya hai? Batai fatafat se. Come on quickly. Yes, it is Rand. South Africa ki hai Rand. Prem Singh Prajapati. Ye aap please is tarah ki baat ko mat karo yaar. Kya ho gaya? Aisa disheartened wali baat kyun kar rahe ho? Itne log preparation kar rahe hain to unka motto aap down mat karo yaar bilkul bhi. ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री हाई सीज एज डिफाइंड इन द मैरिटाइम लॉ जैसे मैरिटाइम लॉ में डिफाइन किया गया है हाई सी तो वो क्या क्या कवर करता है कितना क्या चीज कवर करता है इट कवर्स नियरली व्हाट थ्री फोर्थ ऑफ अर्थ सर्फेस हाफ ऑफ द अर्थ सर्फेस वन फोर्थ ऑफ अर्थ सर्फेस या वन टेंथ ऑफ द अर्थ सर्फेस बताइए सभी का राइट आंसर है बहुत बढ़िया सभी ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है जिनकी जो भी क्वेरीज है गाइज रिगार्डिंग सिलेबस रिगार्डिंग प्रेपरेशन स्ट्रेटजीज रिगार्डिंग एनीथिंग प्लीज होल्ड ऑन 9:20 से 9:30 के बीच में क्वेरीज ली जाएंगी होल्ड कर लीजिए लास्ट में मुझसे पूछ लेना सारी क्वेरीज राइट राइट आंसर इज बी प्लीज मेक श्योर कि आपका आंसर सी नहीं है सी दिया है मैक्सिमम लोगों ने बट दिस इज नॉट करेक्ट सी आंसर नहीं है सी पता नहीं आपको क्यों लग रहा है बट दिस इज राइट आंसर इज हाफ ऑफ द अर्थ सर्फेस हाई सी जो डिफाइन किया गया मैरिटाइम लॉ में वो कवर करता है हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस सो बेसिकली द हाई सीज आर डिफाइंड एज द ओशियंस दैट लाई बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अलग अलग होते हैं ठीक है कुछ टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं उसके बाद फिर आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं ठीक है और कुछ कॉन्टिनेंटल वाटर्स भी होते हैं स्टार्टिंग में ऐसे ही जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद होता है इसे हम बोलते हैं हाई सी And these zones, the exclusive economic zones, are usually within 200 nautical miles, coastline से measure करते हैं और जो high sea water होते हैं they cover one and a half times the total area of the planet Earth and they are home to some of the rarest and most charismatic species. But all the countries they have the right to navigate. आपको ये भी बताना चाहिए high seas के अंदर सभी countries have the right to navigate, fly over. Carry our scientific research and fish on the high sea without restriction. किसी की कोई restriction नहीं होती ये भी आपको पता होना चाहिए right? चलिए interesting fact था ये it was one of the most interesting question जो मुझे आज के quiz के लिए मिला है Next question number 4 Question number 4 Consider the following statements with regard to the statistics of spring population across the Himalayas. Correct choose करना है आपको. Okay, Arfa has contributed a very very good fact. Arfa ने बताया कि today is World Malaria Day. तो guys malaria का ध्यान रखना है, malaria से बच के रहना है. जो भी precautions हो, जरूर precaution follow करने हैं, right? यहाँ पे right answer हो जाएगा C. Fourth का right answer is C because in terms of percentage of village which report having springs, the state of Sikkim has the largest such percentage. सबसे ज़्यादा natural spring कहाँ मिलते हैं आपको हिमालयस के अंदर वो मिलते हैं सिक्किम के अंदर and मेघालय has the largest number of villages that report having spring. अगर total spring की बात करें तो सिक्किम में लेकिन total number of village जहाँ जहाँ पे spring मिलते हैं that is in मेघालय दो चीज़ों में फ़र्क है दोनों का difference समझने की कोशिश कीजिए right answer is C B नहीं है C है right answer मेघालय के अंदर 3810 विलेजेस हैं जो रिपोर्ट करते हैं राइट और सिक्किम की अगर बात करें तो 94% अगर डेंसिटी की बात करें तो 94% ऑफ इट्स विलेजेस हैव अ स्प्रिंग क्वेश्चन नंबर 5 स्प्रिंग मतलब झरना वैशाली गुप्ता स्प्रिंग नेचुरल स्प्रिंग का मतलब होता है झरना पानी का जो झरना होता है उसकी बात कर रहे हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डज रीजनलिज्म मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन इंडिया इनमें से कौन सी फॉर्म है जिसने कौन सी ऐसी चीज है जिसने रीजनलिज्म को मैनिफेस्ट किया है इंडिया ने किन किन तरीकों से रीजनलिज्म ने अपने आप को मैनिफेस्ट किया है इंडिया के अंदर बताइए
राइट आंसर जो यहाँ पे होंगे, राइट आंसर इज डी, 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है. जब जब लोग डिमांड करते हैं, डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ सर्टन स्टेट्स फॉर सेसेशन फ्रॉम इंडियन स्टेट, अगर इंडियन यूनियन से बाहर निकलने की बात करते हैं तो ये रीजनलिज्म का ही तो एक एग्जाम्पल रहेगा. जब जब लोग डिमांड करते हैं फॉर सर्टन एरियाज फॉर सेपरेट स्टेटहुड, जब भी अलग स्टेट मांगने की बात की जाती है तो वो भी एक रीजनलिज्म का, जैसे गोरखालैंड आपका एग्जाम्पल है या बोडोलैंड एक आपका एग्जाम्पल है, खालिस्तान, तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट का एग्जाम्पल हुआ खालिस्तान, खालिस्तान मांग रहे हैं, या फिर नागालैंड, नागास भी अपना अलग बोल रहे थे कि पूरा इंडिया यूनियन से बाहर निकलना है, तो ये दो चीज़ें होगी. और जब जब इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट होते हैं, कभी भी स्टेट के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट, तो ये भी रीजनलिज्म का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. करेक्ट. चलिए देखो, इसमें फर्स्ट जो बताया मैंने, फर्स्ट में से खालिस्तान है, द्रविड नाड है, मिजो अलग मांग रहे हैं, नागाज अलग मांग रहे हैं, और स्टेट अलग में तेलंगाना का तो मिल गया, ऐसे बोडोलैंड है, उत्तराखंड ने अलग से मांगा, विदर्भा, गोरखालैंड, सारे उसके एग्जाम्पल रहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर ऑब्स्टेकल, थोड़ा सा डिफरेंट है, कंसेप्चुअल है, ध्यान से सुन के ध्यान से आंसर देना है, बहुत ही ध्यान से आंसर देना है गाइस. मेजर ऑब्स्टेकल्स टू नेशनल इंटीग्रेशन विद रेफरेंस टू इंडिया डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग. रीजनलिज्म, कास्टिज्म, लिंग्विज्म, एनिटी संस्कृत. देखो, अब आपने भी रीजनलिज्म की बात कर दी है. माय रिप्लाई इज टू एनटीए एनिटी इन संस्कृत प्रिपरेशन, जो हमारे यूजर हैं, आपने लिख दिया असम इज सफरिंग फ्रॉम इट, ट्रू. माय स्टेट जब आपने लिख दिया ना, माय स्टेट, तो आप भी तो रीजनलिज्म को ही प्रमोट कर रहे हैं. हमारा भी असम है, राइट? आप समझ रहे हैं, जब हम स्पेसिफाई करते हैं कि मेरा ये पार्ट, मैं यहाँ का, तो वो कहीं ना कहीं ये सन ऑफ सॉइल पॉलिसी को ही कर रहे हैं, राइट? या दैट्स, यस अंकित, ऑफकोर्स सन ऑफ सॉइल इज नथिंग बट दैट्स अ काइंड ऑफ रीजनलिज्म इटसेल्फ. सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, बिकॉज ये तीनों चीजें एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है, ये नेशनल इंटीग्रेशन में मेजर ऑब्स्टेकल है, रीजनलिज्म भी, कास्टिज्म भी और लैंग्वेजम भी. जब आप लैंग्वेज के बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं दैट इज कॉल्ड लिंग्विज्म, जब हम कास्ट के बेसिस पे डिस्टिंग्विश करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कास्टिसिज्म, और रीजनलिज्म के रीजन के बेस पे कि आप हरियाणा से, मैं दिल्ली से, आप पंजाब से, आप यहाँ से, दैट इज समथिंग, राइट? हाँ, फैजल अली कमेटी बनाई गई थी, यस वी एस, बिल्कुल सही है. चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन द इंडियन हिमालयन रीजन स्प्रिंग हेड्स ऑफ्टन कवर मोर देन वन वाटरशेड. हिमालयन रीजन के अंदर, फिर से एक क्वेश्चन है, चलिए, इन द इंडियन हिमालयन रीजन जो स्प्रिंग हेड्स होते हैं दे कवर मोर देन वन वाटरशेड. नो स्टेट इन इंडिया हैज हिथरटो अंडरटेकिंग सिस्टमैटिक स्प्रिंग हेड मैनेजमेंट इनिशिएटिव, यानी इंडिया में किसी भी स्टेट ने अभी तक एक सिस्टमैटिक स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट को इनिशिएटिव नहीं लिया है. दैट इज रॉन्ग, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फर्स्ट इज करेक्ट बट द सेकेंड इज नॉट. I understand NIT, I understand, and that the purpose was not to offend you, so I'm really sorry if I hurt your feelings, but that was my general view, right? That was a journalistic view. I mean, if you are saying my state, I mean, it feels like you are snatching something from me. If entire India is ours, right? Yeah. और सिक्किम, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम इसका आंसर है. गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम जो है उन्होंने सिस्टमैटिक स्प्रिंग हेड मैनेजमेंट इनिशिएटिव को स्टार्ट किया, राइट? गाइस प्लीज अपना ये प्राइवेट चैट बंद कीजिए, बहुत डिस्ट्रैक्टिव हो रहा है, प्लीज. सो ये मत अपना जो ये जो भी आपका चल रहा है कुछ लोगों का, सो ये प्राइवेट चैट बंद कीजिए प्लीज. क्वेश्चन नंबर 8, रेजिडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विटनेस अ सनराइज एवरी, दिस इज साइंटिफिक, फैक्चुअल बट वेरी इंटरेस्टिंग. जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रह रहे हैं अभी, जो भी एस्ट्रोनॉट्स रह रहे हैं, राइट? रेजिडेंट्स जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के, वो सनराइज देखते हैं हर कितने कितने मिनट के बाद देखते हैं सनराइज,
उनको हमारी तरह से 24 घंटे वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, 24 घंटे के बाद सनराइज होगा ऐसा नहीं होता उनके यहाँ पे, उनके यहाँ पे मिनट्स का काम है, राइट? राइट आंसर इज ए 90 मिनट्स गाइस, 90 मिनट इज राइट आंसर. प्लीज जो लोग बाद में आंसर कर रहे हैं गाइस, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर गिविंग द आंसर. सब लोग आंसर दो यार, 105 लोग बैठे हैं ऑनलाइन. सब मैं चाहता हूँ हर कोई आंसर दे, लेकिन पहले जरूर आप उसका क्वेश्चन नंबर मेंशन जरूर कीजिए, क्वेश्चन नंबर पहले फिर उसका आंसर. राइट आंसर इज डी, दैट इज 90 मिनट्स. हर 90 मिनट में, हर डेढ़ घंटे के बाद, हर डेढ़ घंटे के बाद एक नया सनराइज उनको देखने को मिलता है. ओके, सो वैशाली गुप्ता ने एक इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. थैंक्स टू वैशाली गुप्ता. कि चाइना ने अनाउंस किया है टू बिल्ड अ स्टेशन ऑन मून, मून के ऊपर स्टेशन बनाने की बात की है चाइना ने 2031 तक. यस स्वप्न प्रभा, मुझसे हिंट निकल गया, मैंने बाद में देखा बाकी सब आर्स में थे तो मुझसे निकल गया, हिंट निकल गया. या ओके, सो परविंदर ने एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर किया है दैट दे नीड सोलर एनर्जी टू चार्ज देयर डिवाइसेस एंड टू ऑपरेट एक्टिविटीज. एब्सोल्युटली ट्रू. चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 9, एज पर सेक्शन 124 ऑफ द आईपीसी, जो कि आपका सेडिशन से रिलेटेड है, एन इंडिविजुअल हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ सेडिशन इफ ही और शी बाय वर्ड्स ईदर स्पोकन रिटन brings or attempt to bring hatred or contempt or attempt to excite the disaffection towards the which of the following. ये सारा का सारा जो procedure है, अगर कोई आपके ऊपर sedition के charge लगाना चाहता है तो उसके पास ये proof होना चाहिए कि आपने शब्दों से, लिखे हुए शब्द ये कह लीजिए या बोले हुए शब्द कह लीजिए, आपने कोशिश की है या आपने किया है कि नफरत फैलाई जा सके, ठीक है, और एक डिसअफेक्शन दुर्भावना लाई जा सके किसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट, कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन या लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. यस मयंक, यस यस, गॉट इट, गॉट योर पॉइंट. आंसर इज ए, कोई कंट्री की बात नहीं की गई सेडिशन के अंदर, कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं की गई, ना लेजिस्लेचर ना जुडिशरी, सिर्फ और सिर्फ होगा, इट इज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट. ओनली इफ यू क्रिटिसाइज गव, और क्रिटिसाइज नहीं है, देखो ये आप गलत वर्ड यूज कर रहे हो आशुतोष. क्रिटिसिज्म इज समथिंग विच इज वेरी बेसिक टू डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के अंदर क्रिटिसिज्म तो 100% होगा और करना भी चाहिए. क्रिटिसिज्म इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, क्रिटिसिज्म इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड इफ यू टेक इट इन दैट वे. क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही ज्यादा फैक्ट के साथ उसको उसके एक पैरामीटर पे जज करना, दैट इज क्रिटिसिज्म. Criticism can be good, can be bad. Criticism always leads to some kind of improvement. ठीक है, आप मुझे criticize करो कि सर ये हमें लगता है कि आप में कमी है, आप ऐसे improve कर सकते हो. ठीक है, तो आज का task रखते हैं, आज का ये task रखते हैं सभी लोगों के लिए. मैं बोल रहा हूँ, I want guys you to criticize me in one way or the other. एक एक point सब लिखना criticize करने के लिए. Let's see क्या निकल के आता है, this is a fun activity. तो criticize करने के लिए देखते हैं क्या होगा, but this is a fun activity, right? ऐसा ऐसा खराब खराब वाली बात नहीं कह रहा, बट एज अ फन एक्टिविटी लेट्स सी हाउ गुड वी आर एट पॉजिटिव क्रिटिसिज्म. द वर्ड इज पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, राइट? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10. यस वी एस, ऑफकोर्स क्रिटिसिज्म इज इंपॉर्टेंट फॉर चेक्स एंड बैलेंस, डेफिनेटली. Vineet Nayak wants to say much more things to me, I guess. He is very, very disheartened. Ki only one. Main to pura aise likh dunga sir ke upar. Is it like that? Chaliye, question number 10. Consider the following statements. Over a period of time, the usage of water dramatically increases for extracting the same amount of shale gas from a well. Second point says the shale gas are always found adjacent to aquifers. Kya shale rocks jo hain, हमेशा एक्वीफर्स के एक्वीफर के आसपास मिलते हैं.
Okay, thank you so much, NAD Sanskrit Prep. Thank you so much, Guru Sahib. Thank you so much. Aap logon ne to. Okay. Okay, okay. Thank you so much. Thank you so much, guys. Yahan pe right answer is A. Right answer is A. One only is the right answer, right? Pehli statement is correct. कि टाइम के साथ साथ जो यूजेज है वाटर का ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ है किस प्रोसेस के लिए जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं शेल गैस को वेल के साथ में तो वाटर का यूज धीरे धीरे बढ़ा है और जो शेल रॉक्स हैं दे आर यूजुअली एडजेसेंट टू रॉक्स नॉट ऑलवेज फर्क है दो चीज़ों में राइट होते हैं मैक्सिमम होते हैं बट हर बार हो ये जरूरी नहीं है राइट चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 IRIIA रिसेंटली इन द न्यूज इज व्हाट क्या चीज है IRIIA किस चीज से रिलेटेड है एक कमेंट आया मेरे पास झुंपा नायक का Surely, 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 surely I'll take care of that, Jhumpa. Thank you so much for your kind words. Chaliye. Yes, Athira Nayak, you have to be very careful. Ye words bahut tricky hote hain. Only, always, every, you know, all. To yahan pe bahut dhyan rakhna hai. Inme main har baar nahi keh raha, but 99% there is always a catch in that. Theek hai, so iska right answer kya hoga? That is C. C is the right answer. AIIIA stands for or it is related to. It is an innovation based ranking framework for higher education institution. Higher educational institutions ke liye ek bada innovation based ranking framework hai ye. ठीक है? बनाया किसने है? Launch किसने किया है? Ministry of HRD ने. Ministry of HRD ने किया है. Launch किया है innovation cell and इसका full form बता रहा हूँ अभी. ठीक है ये इसका फुल फॉर्म है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट AIIIA स्टैंड्स फॉर अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स ठीक है ये होगा इसका राइट आंसर ठीक है और इसका प्राइमरी मैंडेट क्या है इनोवेशन सेल इज टू एनकरेज इंस्पायर नर्चर यंग स्टूडेंट्स बाय एक्सपोजिंग देम टू द न्यू आइडियाज चलिए नेक्स्ट गाइस फटाफट से करते हैं टाइम भी होने वाला है बराबर से करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 द प्रिजर्वेशन प्रोसेस एम्प्लॉयड टू क्रिएट लेदर फ्रॉम एनिमल हाइड इज अ केमिकल ट्रीटमेंट कॉल्ड टैनिंग तो टैनिंग का मतलब क्या होता है जब आप यू नो जब आप जो एनिमल लेदर होता है उसको उसको एक केमिकल ट्रीटमेंट के साथ उसमें कुछ करते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन प्रोसेस सो टैनिंग के एजेंट इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं बहुत बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में 100% आने वाले इस बार का पेपर बहुत अनकन्वेंशनल हो सकता है गाइस राइट सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट और गाइस अगर ये मैं फिर से बता रहा हूँ ये सिर्फ एक डेमो है अगर आपको इस तरह की डेली कोर्सेज चाहिए वो भी पूरे 2-2 आवर्स की क्लासेस चाहिए सो मेक श्योर कि आप अनअकैडमी प्लस को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे तो डायरेक्टली मेरी गाइडेंस में भी आप लोग रहेंगे और 10% डिस्काउंट भी आपको मिलेगा ओके परविंदर सिंह जी ओके सो स्वीट ऑफ यू सो नाइस कमेंट थैंक यू सो मच चलिए क्या क्या है बार्क ऑफ सम ट्रीज मिनरल सॉल्ट सच एज क्रोमियम सम फिश ऑयल्स आंसर इज डी और एक टिप दे देता हूं ऐसे क्वेश्चंस में ना ऐसा कुछ इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है फैक्ट बेस्ड मोस्टली आंसर इज डी अब ऐसा नहीं है कि आप लोग वहां पे ब्लाइंड खेलाओ और बोल दो कि सर ने कहा था कि डी बट 90% चांसेस हैं कि जब ऐसा इस टाइप का कोई इतना टिपिकल क्वेश्चन आ जाए ना बिल्कुल फैक्ट बेस्ड तो चांसेस होते हैं 90% राइट 90% चांसेस हैं कि डी आंसर होगा चवाली चौहान मनी कितना पे करना है मनी आपका होगा लगभग आई थिंक 2700 पर मंथ और कुछ ऐसा होगा मेरे ख्याल से 2700 से 3000 रुपये पर मंथ शायद पे करना होगा और वहाँ पर सिर्फ मेरे लेक्चर नहीं है सिर्फ मेरे कोर्सेज नहीं है गाइस 60 से ज़्यादा टीचर हैं सबके कोर्सेज आप फ्री में एक्सेस कर पाएंगे
टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, पूरे साल का प्लान आपको दिया जाएगा। बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, मृणाल पटेल सर भी हमारे साथ पढ़ा रहे हैं, रोमन सैनी सर हैं, जतिन वर्मा सर हैं, बहुत सारे सर आपको वहाँ मिलेंगे। एक बार सब्सक्राइब करना है, उसके बाद सभी कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। राइट, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है बात करते हैं पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री की। सो जो पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री है, इट विल डू विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा काम करेगा? पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री के बारे में करेक्ट आपको बताना है। ओके, सो पूजा देवी ने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे कहा है। पूजा देवी ने टैनिंग एजेंट यूज्ड बाय यूएस इज ट्रेवलेंट क्रोमियम। अथीरा, अगर वन मंथ का लेना है तो वन मंथ का भी अवेलेबल है। अथीरा, वन मंथ का भी अवेलेबल है, आई थिंक दैट इज 7,000, एक महीने का शायद 7,000 है वन मंथ का। या आकाश शर्मा बता रहे हमें, सो इट इज 35,000 पूरे एक साल का, ठीक है, और 7,000 रुपये है पर मंथ, अगर आपको मंथली करना है। राइट, और जो भी आप पैकेज लेंगे उसके ऊपर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर मेरा रेफरल कोड भी यूज करेंगे। 3 मंथ का भी है, अगर आपको नहीं करना, 3 मंथ का भी है, 6 मंथ का भी है, आप जाके एक बार चेक जरूर कीजिए, अलग अलग मंथ के पैकेजेस है। राइट आंसर इज बी, सी नहीं है गाइस, मी बी है बिल्कुल। पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री विल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन बोरोइंग्स ओनली। लगता है आप लोग अभी समझ गए हैं, ओनली वर्ड आ गया है तो सब लोगों ने हटा दिया है ए का आंसर, सब ने स्कोप ही खत्म कर दिया है ए का। सो इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन बोरोइंग्स ओनली फ्रॉम स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड NBFCs इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ से बोरो कर सकती है? इट कैन बोरो फ्रॉम कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, NBFCs, दिस MFIs, ठीक है, तो कहीं से भी कर सकती है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग तक कर सकती है, मार्केट से बोरो कर सकती है, तो सिर्फ वो लिमिटेड वाला वर्ड नहीं होगा। राइट, वन ईयर पैकेज इज 35,000 प्लस एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट इफ यू यूज माई रेफरल कोड। दिस इज माई आंसर टू रत्ना सिंह, रत्ना सिंह। और गाइज, रिकॉर्डेड लेसन होते हैं, आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो, बाई चांस मिस हो गया तो रिकॉर्डेड भी सुन सकते हो। 60 टीचर से ज्यादा पढ़ाएंगे आपको, और सबके साथ में आपके जो कॉन्टेक्ट होंगे, पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर मोर देन 6 countries। तो क्या हिमालयाज 6 countries से ज्यादा में फैले हुए? सेकंड सेज द स्टेट्स ऑफ इंडियन हिमालयाज रीजन इंक्लूड वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा। अगर आप इंडियन हिमालयन रीजन की बात करें तो क्या वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा भी उसी कैटेगरी में आएंगे? विनीत नायक, दिस ओनली टिकडम डजंट वर्क ऑलवेज, राइट? नो, इट डज नॉट वर्क ऑलवेज, आई अग्री विनीत, आई अग्री, डज नॉट वर्क, बट इट वर्क 95% इट वर्क, 95% वर्क। तो वैशाली गुप्ता, अगर आप पूरे साल का ले लेंगे तभी तो आपको वही एवरेज पड़ रही है आपको। अगर आप पूरे साल का लेंगे तो 3500 पर मंथ पड़ेगा, उस पर भी 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इट्स गोइंग टू बी 3,000-3,100 के आसपास पड़ेगा, वही सेम प्राइस पड़ रही है। यस यस, आई एम सो हैप्पी, यूपीएससी एडिक्टेड, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, गुड गुड टू सी द इम्प्रूवमेंट। चलिए, राइट आंसर इज सी टू दिस क्वेश्चन, बोथ आर करेक्ट, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, सी है राइट आंसर, और मैक्सिमम लोगों ने दिया होगा राइट आंसर। यार अब ये तो देखो, ये इंस्टॉलमेंट्स वाली बात तो आपको वही अनअकैडमी की टीम बता सकती है, वो तो वही बताएंगे इंस्टॉलमेंट में कैसे पे करना है, नहीं करना है। EMI का ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो अगर मैं होता तो डेफिनेटली EMI का ऑप्शन देता आप लोगों को। राइट, सबसे वर्थ है, सच में बता रहा हूँ, सबसे वर्थ है 1 ईयर वाला पैकेज, सबसे वर्थ। ठीक है, चलो, सो हिमालयाज जो है, हिमालयाज जो स्पैन है, सो हिमालयाज स्पैन करता है 8 countries में। ठीक है, कौन कौन सी 8 countries है गाइस? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार। ठीक है,
तो हिमालय स्पान करता है 8 कंट्रीज में, याद रखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। और जो स्टेट्स की अगर मैं बात करूँ, जो स्टेट्स हैं, तो कौन कौन से स्टेट्स में, इंडियन स्टेट्स में कहाँ कहाँ, 10 स्टेट में से फैला हुआ हिमालय, 10 स्टेट इंडिया के, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड 2 पार्शियल हिल स्टेट्स, थोड़ा सा पोर्शन असम का, और कुछ जो है सब ट्रॉपिकल रीजन वेस्ट बंगाल का, राइट। यस रूबी, श्योर श्योर श्योर, आई टेक केयर ऑफ द फॉन्ट साइज ऑल्सो। ओके, सो समबडी आस्किंग मी वेर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम डेली, आई एम फ्रॉम डेली डियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, उसके बाद वी आर गोइंग टू टेक अप द क्वेरीज, राइट राइट। क्वेश्चन ऑफ द डे, चलिए Himanshu Bhushan, please mind your language. Please mind your language. This kind of things are not tolerated in this class, right? Question number 15. With reference to the genetically modified crops, mustard specifically, GM mustard, जो इंडिया में डेवलप हुई है, उसके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है. GM mustard has the genes of soil bacterium that give the plant the property of pest resistance to a wide variety of pests. GM mustard has a gene that allows the plant cross-pollination and hybridization. And finally, GM mustard has been developed jointly. Kis kis ne joint kiya hai, develop kiya hai jointly? Punjab Agriculture University or IARI. Chaliye. Right answer is B to the question. D नहीं है, B है right answer guys. With reference to the genetically modified वाले का answer is B, क्योंकि सिर्फ second correct है, first and third are not correct. पहला और तीसरा correct नहीं है. पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि इसको develop किया है Delhi University ने and the project was partly funded by Department of Biotechnology, जो कि division है Science Ministry की, right? राइट चलिए सो ये इसीलिए IARI और पंजाब यूनिवर्सिटी वाला गलत हो जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया डेवलप। और इसके अंदर 2 मेन जीन्स हैं, एक का नाम है बर्नेस और एक है बस्टर। तो जब पहले में बताया गया था कि सॉइल बैक्टीरियम है, दैट वुड बी रॉन्ग। राइट आंसर यहाँ पे 2 जीन्स कौन कौन से इसके अंदर है, बर्नेस और बस्टर, दैट अलाउज फॉर क्रॉस पॉलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन मस्टर्ड, राइट। और आपको और क्या चीज में पता होनी चाहिए, ठीक है, दिस इज ऑल करेक्ट। अभी गाइज रुक जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए, जाने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये मैं रेफरल कोड यहाँ पे सामने रख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, जिन लोगों ने अभी तक रेफरल कोड जिन्होंने नोट नहीं किया है, आप लोग जरूर ये नोट कर लीजिए रेफरल कोड। जब भी आपका मन होगा कभी भी Unacademy Plus को ज्वाइन करने का, तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इसकी, राइट। चलिए ओके, सो इम्पॉर्टेंट तो ये है कि गाइस, जैसे कि आज मैंने आपको छोटा सा ग्लिम्स दिया था मेरे सेशन का, जो मेरा नया अपकमिंग कोर्स है, तो क्या ये आपको आइडिया अच्छा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे बताइए। हर बार हर रोज स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में कुछ एक ऐसे ही नया कोर्स का कुछ ग्लिम्स करेंगे। आई एम श्योर आपको बेनिफिट तो होगा ही, लेकिन मुझे भी आइडिया होगा कि ये कितना रेलेवेंट है कोर्स। देखो इट्स अ म्यूचुअल प्रोसेस, राइट। तो जैसे जैसे आप लोगों को आइडिया होगा कि क्वेश्चन जो कोर्सेज हैं किस तरह से आपको हेल्पफुल है, मुझे भी फीडबैक से आइडिया होगा, राइट। सो गाइज फीडबैक भी बताइए एक बार प्लीज़, कि सेशंस का फीडबैक कैसा है। हाउ शुड वी कॉन्टैक्ट यू, मुझे कॉन्टैक्ट करना यार, मुझे मेरी मेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ashish.malik11@gmail.com। आप लोग मुझे मेरे मेल आईडी पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप Unacademy के जो लर्निंग ऐप है वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हो कभी भी, राइट। ओके विनीत, श्योरली श्योरली आई विल ब्रिंग बैक द ट्रिकी क्वेश्चन, श्योरली बिल्कुल, ठीक है।
और गाइस किसी से आपको कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग यूपीएससी रिगार्डिंग प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज आपको कभी भी हो तो आप हमेशा मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप के थ्रू. एक पर्सनलाइज्ड मेंटोर की तरह आई वर्क, ठीक है. एंड अगर प्लेटफॉर्म चाहिए तो डेफिनेटली अनअकैडमी प्लस है, वहाँ पे डेली सेशन हुआ करेंगे और ज़्यादा वन टू वन इंटरेक्शन बढ़ेगी आई एम श्योर, राइट. और गैथरन आर मुझे वन मंथ वाला सीरियसली करना है था बट 7,000 पे करना इज फॉर मी बैड लक. वेल अथेरा प्राइसिंग इज नॉट माई हैंड सो यू अंडरस्टैंड, राइट. आप 3 मंथ वाला कर सकते हैं, 6 मंथ वाला भी कर सकते हैं, तो आप देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए प्लीज, राइट. रत्ना सिंह यो सर नेक्स्ट मंथ आई विल ज्वाइन 1 ईयर पैकेज, ऑलरेडी 1 मंथ पैकेज है अभी. कोई नहीं, ठीक है, डेफिनेटली जब भी आप 1 ईयर का करेंगे तो मेक श्योर कि आप ये रेफरल कोड यूज करें. जितने लोग भी मेरा रेफरल कोड यूज कर रहे हैं, मैं एक ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, उनको एक पर्सनलाइज गाइडेंस के रूप में, पर्सनलाइज मेंटोर के रूप में आई एम वर्किंग विद देम, राइट. सो मेक श्योर कि आप लोग रेफरल कोड यूज करके मुझे इन्फॉर्म भी कर देना कि आपने रेफरल कोड यूज कर दिया, मुझे भी मैसेज आ जाएगा. वैसे बिल्कुल बिल्कुल दुर्वेश आशीष मलिक 8996 10% ऑफ है. हाँ, अगर आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो 10% ऑफ मिलेगा आपको, डेफिनेटली दुर्वेश. ओके, सो कैलवरी फिनाट श्योरली आई ट्राई टू यूज मोर इंग्लिश, डेफिनेटली आई विल, डू नॉट वरी. नो आई अंडरस्टैंड, आई ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन अ बायलिंगुअल काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म ऑन दिस यूट्यूब सेशन स्पेशली. आई टोटली अग्री विद योर पॉइंट, आई ट्राई टू मेक इट मोर दिस मोर वन टू वन, दिस मोर इंग्लिश बायलिंगुअल थिंक आई विल बी वर्किंग ऑन मोर, राइट. ओके, सो मेंशन योर व्हाट्सएप नंबर. Well, WhatsApp number and all, so I won't be able. We have some, some restrictions over here. You guys can contact me on my Unacademy Learning app. Unacademy Learning app, pe you guys drop me a message. There I will give all the contacts and all, right? Okay, Arpita. And still, agar aapke, isliye main bol raha hu, agar koi doubt bhi hai na, तो कल डेमो सेशन है गाइज, मेक श्योर कि कल की क्लास में आप जरूर आए. टुमारो वी हैव अ डेमो सेशन एट 10 PM, 10 बजे कल 10 बजे एक डेमो सेशन है, वो हमारा डेमो सेशन होने वाला है. कल शायद यूट्यूब की क्लास नहीं होगी मेरे ख्याल से, टुमारो वी डोंट हैव अ यूट्यूब क्लास टुमारो, मे बी अगर होगी तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, अभी तक प्लान नहीं थी, ठीक है. तो आप लोग जरूर कल एक डेमो करके देखिए, जिसको डाउट भी है ना अनअकैडमी प्लस के ऊपर, कल डेमो क्लास में अपना आपको रजिस्टर करा के देखिए. कल डेफिनेटली आपको एक वन टाइम रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए अनअकैडमी प्लस का, ठीक है. तो कल आके जरूर चेक कीजिए. दुर्वेश सर यूपीएससी के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है एक्सेप्ट अनअकैडमी दिल्ली? यार सारे बराबर हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं दुर्वेश. अगर आप नियर बाय दिल्ली के हैं देन तो मेक सेंस, लेकिन अगर आप किसी और स्टेट से दिल्ली में आना चाहते हैं दैट वोंट बी अ गुड आइडिया. वैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, कोई विजन है, श्रीराम आईएएस है, वाजीराम आईएएस है, खान केएसजी है, बहुत है. मतलब आपको हर बिल्डिंग आईएएस के कोचिंग इंस्टीट्यूट के दिखेगी. यू अंडरस्टैंड, बेस्ट इंस्टीट्यूट नहीं होता, बेस्ट टीचर्स होते हैं, और बेस्ट टीचर्स से ज़्यादा बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं जो उस चीज़ को अवेल करें. अदरवाइज तो मोर और लेस तो सब सेम है यार, ट्रस्ट मी मोर और लेस सब सेम है. और क्या क्वेरीज हैं? हाउ मच यू आर गेटिंग फ्रॉम यूट्यूब? दिस इज नॉट माई चैनल प्रेम सिंह, दिस इज नॉट माई चैनल, सो आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग. आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम द यूट्यूब. ओके, थैंक यू सो मच पूजा. ओके, सल्यूट एक्सेप्टेड यूपीएससी एडिट, सल्यूट एक्सेप्टेड. ओके रत्ना, यू मोस्ट वेलकम. कम ऑन प्रेम सिंह प्रजापति, व्हाट आर यू आस्किंग, कम ऑन. शौर्य गोस्वामी, आई थिंक आपके लिए बहुत ज्यादा अर्ली हो जाएगा यार, है ना. अभी 12th के एग्जाम दिए, आई थिंक इट विल बी वेरी अर्ली फॉर यू. आदित्य, विल यू शेयर द इन्फॉर्मेशन? कौन सी? अच्छा, अरे यार मैंने नहीं आदित्य नहीं कर पाया, पता है नहीं हो पाया, सॉरी.
सदानंद नोहारिया, आपको टेस्ट सीरीज सेंड नहीं कर पा रहे? कौन सी टेस्ट सीरीज सेंड नहीं कर पा रहे? मैं समझा नहीं, सॉरी सर। सदानंद नोहारिया क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। स्वप्न प्राण, डेमो क्लास के लिए रजिस्टर कैसे करें? डेमो क्लास के लिए आपको रजिस्टर ऐसे करना है, मेरे अनअकैडमी के पेज पे जाइए, आपको सिर्फ सर्च करना है आशीष मलिक अनअकैडमी, ठीक है? आशीष मलिक अनअकैडमी गूगल पे टाइप करो, जो भी पहला पेज आएगा वो मेरा ही आएगा, आप ओपन कीजिए उस पेज को, वहीं पे एक बड़ा सा ब्रॉड में मेरा पोस्टर लगा होगा, वहीं पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, राइट? आदित्य, यस यस, चाणक्य इज ऑल्सो गुड, चाणक्य इज ऑल्सो गुड, राइट? जयंती, प्लीज डोंट टेक एनी कोचिंग, नो पॉइंट, अल्टीमेटली यू हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग योरसेल्फ ओनली। यस, देखो यार, कोचिंग ऐसे ऑफलाइन कोचिंग मैं बता रहा हूँ, ऑफलाइन कोचिंग का 5% फर्क होता है, सिर्फ 5%, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो आपका रूटीन बना देते हैं। अनअकैडमी आपको घर बैठे रूटीन बनाने का प्लान बना रही है, हम लोग चाहते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन में, आप अपने घर पे रहो, व्हाई टू कम एंड जस्ट कम टू दिल्ली एंड ऑल, राइट? सो आप अपने घर पे अपने कंफर्ट जोन में रह के आपको पूरे ईयर का प्लान बना के दिया जाएगा, स्पेशली जो 2020 के लिए अपीयर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली फोकस्ड है अनअकैडमी स्टूडेंट्स के लिए। सो 2020 वाले स्टूडेंट्स को कहीं जाने की जरूरत नहीं, अनअकैडमी विल बी वन सोल सोल्यूशन, वन सोल सोल्यूशन, यू कैन ट्रस्ट माई वर्ड्स, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म से तो बहुत बड़ी बात है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा ईयर का प्लान बना के दिया जाएगा, सारे अमेजिंग कोर्सेज आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, दैट टू बायलिंगुअल, इंग्लिश भी और हिंदी भी। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट थिंग, सो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर फॉर 2020। सदानंद, क्या मैं अभी भी नहीं समझा, क्या डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, कौन सी टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं आप? यस साक्षी, यस आई ऑल्सो हैव अ यूट्यूब चैनल, यस। What's your qualification? How you would specialize in UPSC teaching? Okay. Shaurya, abhi college life enjoy karo yaar. Ye time life mein kabhi wapas nahi aayega. Pehle college life acche se enjoy karo. Newspaper kaise padhe? News, अच्छा हाँ, newspaper वालों के लिए announcement बता रहा हूँ मैं, जिन जिन लोगों को द हिंदू newspaper अभी नहीं समझ में आ रहा है या पता नहीं कैसे पढ़े, सो दीपक तिवारी आपके लिए भी और बाकी सब लोगों के लिए, कल आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज मैंने प्लान किया है, तो कल आप लोग जब भी क्लास में आएंगे प्लीज मेक श्योर कि अपना द हिंदू न्यूज़पेपर साथ में लेकर आए। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन गाइज, प्लीज मेक श्योर टुमारो यू ऑल ब्रिंग योर द हिंदू पेपर व्हेन यू कम फॉर द सेशन, जब भी क्लास में आए, सेशन में आए, कल द हिंदू न्यूज़पेपर लेके आए, सरप्राइज है आप लोगों के लिए। कल सेशन नहीं हुआ, अगर जब भी आप नेक्स्ट सेशन होगा, अगर कल नहीं हुआ तो 28th को होगा, वेन एवर इट इज, ठीक है? सो प्लीज जरूर कीजिए। ओके कुलविंदर, थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स, थैंक यू। आशी चौहान, व्हाट स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी इज वेरी सिंपल आशी, ओनली स्ट्रेटजी मॉक टेस्ट प्रिपरेशन। अभी बुक्स को बिल्कुल साइड में रख दो, कोई बुक्स टच नहीं करनी, कुछ भी नया नहीं पढ़ना, जितना आपने पढ़ा है आशी चौहान उसको बस कंसोलिडेट करना इज द मेन मोटिव, राइट? सिर्फ और सिर्फ उसको आपको प्रमोट अपना कंसोलिडेट करना है, ठीक है? तो मॉक टेस्ट इज द बेस्ट वे। और अनअकैडमी पे जितने भी हमारे प्लस सब्सक्राइबर हैं, तो वो लोग भी अभी उनको फ्री में दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज भी उनको इंक्लूडेड है, और मेरा खुद का भी एक कोर्स है जहाँ पे मैं पूरे 27 टेस्ट की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहा हूँ अनअकैडमी के मेरे जितने भी यूजर्स अनअकैडमी प्लस के। सो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वन मंथ के लिए आप आए, आप वन मंथ के लिए ज़रूर आए अनअकैडमी प्लस पे, क्योंकि बहुत ही, ट्रस्ट मी, बहुत अमेजिंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द 1st of May। सो ज़रूर आप आगे फॉलो करें। आशी चौहान, बिल्कुल सभा, घर पे पढ़ के 100% बिल्कुल क्लियर हो सकता है, आपका एनवायरमेंट मैटर नहीं करता, आपका सेल्फ मैटर करता है, आप जहां पे भी चाहे वहां से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, राइट?
करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, दुर्वेश कोई भी आप उठा लीजिए, कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स आप उठा लीजिए, जहां भी आपको मंथली कंपाइलेशन मिल जाए दैट वुड बी द बेस्ट सोर्स। नमन सिंह 2020 के लिए शुरू हो चुकी है, नमन सिंह 2020 के लिए मेरी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है मेरा, जो मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ाता हूँ, तो वो ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, आगे भी आती रहेंगी, तो आप अभी से रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रतिमा, थैंक यू सो मच। ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है रत्ना सिंह, ठीक है। यस स्वप्न प्रे प्रभा रे बताइए क्या है कॉम्प्लीमेंट, बता दीजिए। ठीक है तो ओके गाइस, सी यू, आई विल ट्राई टू हैव अ सेशन टुमारो। अगर बाय चांस कल नहीं हुआ सेशन तो 28th को होगा, फिर मे बी शायद संडे को होगा, राइट। हाउ कैन आई एनालाइज द मॉक टेस्ट एज इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम, आई एम टेलिंग यू द बेस्ट वे टू डू दैट, यू डोंट हैव टू सॉल्व, अभी टाइम नहीं है आपके पास सॉल्व करने का, तो अभी सॉल्व मत कीजिए। अभी सबसे बेस्ट वे होता है कि उनका सॉल्व पार्ट लीजिए, ठीक है, रीड आउट द क्वेश्चन, सी द आंसर एंड ट्राई टू मेमोराइज इट, बेस्ट वे टू डू दैट, राइट। क्लास टाइमिंग जब जब होते हैं, एवरी डे वी हैव 8:30 क्लास टाइमिंग्स, क्लास टाइमिंग नोट कर लो, अपने रिमाइंडर अपने अलार्म सेट कर लो 8:30 एवरी टाइम। ओके एज शार्प एज योर बियर्ड, ओके ओके, थैंक यू सो मच विनीत, इट वॉज अ आउट ऑफ द बॉक्स कमेंट, आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट काइंड ऑफ कमेंट। ओके चलो ठीक है गाइज, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, कल मिलते हैं, उसके बाद आपको फिर और एडवांटेजेस और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जाने के लिए इजाजत चाहते हैं, सेशन अभी मैं ओवर कर रहा हूँ, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। रेफरल कोड याद कर लो, बहुत काम आने वाला है, मैं बता रहा हूँ, राइट। ठीक है गाइज, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।